है एवरी वन वेलकम टू माई चैनल इस वीडियो में हम करेंगे क्लास सिक्स हनी सकल का चैप्टर सेवन फिर पढ़े के क्वेश्चन आंसर्स सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन ए है हमारा मैच द सेंटेंस अंडर फर्स्ट विद विथ अंडर सेकेंड हमें मैच करना है सेंटेंसेस को जो कि दो पार्ट में दिया गया है फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम हमें दोनों कॉलम को मैच करना है करेक्टली तो फर्स्ट कॉलम में हमारा ऐसे ऐसे दे रखा है फाइव सेंटेंस सेकेंड में भी सेम है फर्स्ट देखते हैं हम जुमन एंड अलगू वर द बेस्ट फ्रेंड बेस्ट ऑफ फ्रेंड जुमन और अलगू क्या थे बेस्ट फ्रेंड थे तो हमें सेकेंड कॉलम में से चूज़ करना है तो हमें पहले से चूज कर लिया आंसर हमारा थर्ड वन इन दबसेंस ऑफ वन अदर टुक केयर ऑफ इस फैमिली एक नहीं होता था तो दूसरे उसके फैमिली का ख्याल भी रखते थे इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे सेकेंड जुमन्स आंट ट्रांसफ़र हर प्रॉपर्टी टू हिम जुम्स के आंट ने उस ट्रांसफ़र कर दिया था प्रॉपर्टी उस उसको तो क्यों किया था क्योंकि द द कंडीशन वॉज डैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वॉलफेयर तो ये कंडीशन थे कि वो उनका ख्याल रखेगा इस वजह से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी उनको दे दी द आन डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत अब आंट डिसाइड करती है पंचायत को अपील करना तो ये कब करती है क्यों करती है शी वॉन्टेड जस्टिस क्योंकि उनको नया चाहिए था अगलू वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट तो अगलू क्या था वो आंट को सपोर्ट करने के लिए अनविलिंग था क्यों द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड जम्मू वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग क्योंकि जो अगलू और जम्मू बहुत अच्छे दोस्त थे इस वजह से क्वेश्चन फाइव जो फाइव था इसका जुमन वॉज़ वेरी हैप्पी टू हीयर अगलूज़ नेम एज हैड पंच तो जुमन बहुत खुश हुआ ये जान के कि अगलू हेड पंच है तो उसका आंसर है ही बिलीव डैट हीज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम क्योंकि उसको लगता था जुमन को कि अगलू के ख़िलाफ़ कभी नहीं जाएगा क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था तो यहाँ पर हमारी मैचिंग फिनिश होते हैं अब आगे हमारे इसके बी पोर्शन में बी क्वेश्चन में दे रखा है हु सेज दिस टू होम एंड बाय ये जो वर्ड्स है ये किसने किसको कहा और क्यों कहा तो पहला वर्ड है जो पहला हमारा क्वेश्चन है इसका माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस मेरी वाइफ अच्छी तरह से जानती है किस तरह घर को घर के चलाना चलाया जाए तो ये किसने किसको कहा और क्यों कहा आंसर ये जुम्मन कहता है जुम्मन सैर दिस टू हिज आंट बिकॉज शी हैड आस्क हेम फॉर अ मंथली अलाउंस टू सेट अप अ सेपरेट किचन बट ही डि नॉट वॉन्ट टू गिव हर एन मनी तो ये जुम्मन कहता है अपने आंट को क्योंकि वो चाहती थी मंथली पैसे जुम्मन को दे ताकि वो अपना किचन सेपरेट कर सके पर वो उनको पैसे देना नहीं चाहता था इस वजह से उसने ये सेंटेंस अपने आंट को बोला सेकेंड बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर तो उसने ये कौन कहता है ठीक है क्योंकि ये राइट है मेरे बेटे कि चुप रहना पर नॉट से बट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर जो तुम्हें सही लगे फेयर और ये जिसको तुम फेयर समझो सही समझो आंसर ये ओल्ड आन कहती है ये वर्ड अगलू चौधरी को क्योंकि ही वॉज़ अनविलिंग टू गिव हिज जजमेंट अगेंस्ट हिज बेस्ट फ्रेंड ये इसलिए कहता है क्योंकि ये उसलिए उसको कहती है क्योंकि वो नहीं चाह नहीं चाहता था कि वो जजमेंट दे अपने बेस्ट फ्रेंड के अगेंस्ट इसलिए ये वर्ड जो आंट है वो अगलू को कहती को थ्री है वट हैव यू यू टू से इन योर डिफेंस तुम अपने डिफेंस में क्या कहोगे आंसर ये अगलू कहता है अगलू सेड दीज वर्ड टू जम जुमन वैन ही ऑक्यूपाइड द सीट ऑफ द हेड ऑफ़ पंच एंड यू वांटेड टू डू जस्टिस विद आंट ये वर्ड अगलू कहता है जुम्मन को जब वो सीट जब वो पंच का हेड बनता है और वो चाहता है था कि जस्टिस हो न्याय हो आंट के साथ क्वेश्चन फोर है I can't pay you a penny for the rest बेस यू you sold me वो कहता है ये कौन कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल पैसे नहीं दूंगा वो बेकार की चीज़ जो तुमने मुझे बेची है तो ये आंसर है ये कहता है समझू शाहू कहता है किस अगलू को वेन अगलू डिमांडेड पेमेंट फॉर द बुलॉक ही हैज सोल टू साहू यह अगलू कहता है साहू जब वो अगलू पैसे मांगता है अपने बैलों के साहू से जो कि उसने बेचे होते हैं द बलॉक हैज डेट विद इन अ मंथ सो शाहू रिफ्यूज टू पे फॉर इट क्योंकि जो बैल था वो मंथली एक ही मंथ में मर गया था इस वजह से साहू उसको पैसे देने से मना कर देता है क्वेश्चन फाइव विक्ट्री टू द पंचायत दिस इज जस्टिस ये पंचायत की जीत है ये नया है ये कौन कहता है और कब कहता है क्यों ये आंसर ये अगलू कहता है दिस ओवर एंड ओवर अगेन इन फ्रंट ऑफ द विलेज ये बार बार अगलू कहता है गांव वालों के सामने ही वॉज हैप्पी दैट जुम्मन हैड नॉट डाइवेटेड फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस इंस्पाइट ऑफ इन मिट्टी बिटवीन दैम वो बहुत खुश था कि जुम्मन अपने जो सच्चाई का पाथ था जो नया का पाथ था उससे वो नहीं हटा भले ही उन दोनों में दुश्मनी थी उसके बाद भी उसने सच का साथ देते हुए बिल्कुल सही फैसला लिया अब यहाँ पे हमारा बी पोर्शन भी ख़त्म होता है यहाँ हमारा क्वेश्चन सी स्टार्ट होता है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इसको हमें आंसर देना है क्वेश्चन फर्स्ट है देन द सिचुएशन चेंज वट इज़ बींग रिफेर टू ये पैरा सेकेंड वे है ये जो क्वेश्चन है देन सिचुएशन चेंज सिचुएशन फिर चेंज हो जाती है तो यहाँ पे किसको रिफेयर करता है आंसर द सिचुएशन चेंज आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देती है जुम्मन की आंट जुम्मन को तो क्या होता है जुम्मन को जैसे ट्रांसफ़र करती है सिचुएशन चेंज हो जाती है जुम्मन फॉरगेट हिज प्रॉमिस टू टुक आफ्टर लुक आफ्टर हिज ओल आंट जुम्मन ने जो प्रॉमिस किया होता है कि वो उनकी देखभाल करेगा वो आंट की तो वो प्रामिस को भूल जाता है ही एज वेल एज हिज़ वाइफ बिगैन टू इल ट्रीट हर उसके बाद वो बल्कि उसकी वाइफ भी क्या करते हैं बहुत बुरा व्यवहार करते हैं अपनी आंट के साथ क्वेश्चन सेकेंड वेन जुमन्स आंट रियलाइज डैट शी वॉज नॉट वेलकम इन हिज हाउस वट अरेंजमेंट डिड सी सजेस्ट ये पैरा थ्री में है कि जुम्मन के जो आंट के हैं उनको कब ये रिलयज़ होता है कि ये लोग उनका वेलकम अपने घर में नहीं कर रहे हैं और वो इसके वो क्या अरेंजमेंट करना चाहती थी क्या उन्होंने सजेशन दिया उपाय बताया तो ये पैरा पैरा थ्री में है हमारा आंसर है इसका वैन जुमन्स आंट रिलायज़ डेट शी वॉज नॉट वेलकम इन हिज हाउस शी आस्क जुमन टू गिव हर अ मंथली अलाउंस सो डैट ही सो डैट शी कुटअप अ सेपरेट किचन जब उसकी आंट को जुम्मन के आंट को रिलाइज हुआ कि ये लोग उनका वेलकम नहीं कर रहे हैं अपने घर में तो वो जुम्मन को कहती हैं कि तुम मुझे मंथली पैसे दे दिया करो मेरे मंथली खर्च दे दिया करो ताकि मैं अपना किचन सेपरेट कर लूँ ये उनका सजेशन था क्वेश्चन थ्री है वट वॉज द विलेजर्स रिएक्शन वेन द आंट एक्सप्लेन हर केस टू दैम जब आ, जब आंट है वो अपना केस गांव वालों को बताती है कि जुम्मन ऐसे से कर रहे हैं मेरे साथ जुम्मन की फैमिली तो गांव वालों का क्या रिएक्शन था ये पैरा फोर में है आंसर व्हेन द ओल्ड वुमन वैन टू विलेजर्स टू गेट देयर सपोर्ट जब आंट जाती है वो ओल्ड वुमन जाती है गांव वालों के पास ताकि वो उनसे मदद ले सके वो उसकी मदद करे सम सम्पथी एंड सम लाफ एट हर कुछ लोगों ने सिम्पथी जाहिर की जबकि कुछ लोगों उन पर हंसे अफ फ्यू एडवाइस हर टू मेक पीस विद जुम्मन मतलब कि कुछ लोगों ने कहा कि जुम्मन के साथ सुलह कर लें क्वेश्चन फोर वाई वॉज जुम्मन हैप्पी ओवर अगलूज़ नॉमिनेशन एज हेड पंच जुम्मन क्यों खुशी हुआ खुश हुआ जब अगलू का नॉमिनेशन हुआ एक पंच के हेड के तौर पे आंसर जुम्मन वाज हैप्पी ओवर अगलूज नॉमिनेशन एज हैड पंच बिकॉज अगलू वॉज वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड एंड ही न्यू डेड ही उड नैवर गो अगेंस्ट हिम वो इसलिए खुश हुआ जुम्मन जब अगलू नॉमिनेट हुआ हेड पंच के लिए उसको लगा अगलू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसको पता था कि वो कभी भी उसके अगेंस्ट उसके खिलाफ नहीं जाएगा क्वेश्चन फाइव गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच द आंट सेड वट डिड शी मीन गॉड के गॉड पंच के दिलों में रहते हैं ये आंट ने कहा था क्यों इसका क्या मतलब था इससे उनका क्या मतलब था आंसर गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच बाय दिस जुमनस आंट्स मीन डेट अ पंच वॉज ऑलवेज इम्पार्शल गॉड पंच के दिलों में रहते हैं इनका मतलब था जुम्मन के आंट जुमन के जो आंट जुम्मन की जो आंट थी उनका इससे मतलब ये था कि पंच हमेशा जो पंच वह हमेशा ही बिल्कुल सही फ़ैसला करते हैं बिल्कुल इम्पार्शल होके किसी की वो तरफ नहीं जाते और वो बिल्कुल ही बिना पार्शल हुए ही वो फैसला करते हैं ए पंच है नीदर अ फ्रेंड और नॉर अ एनिमी पंच किसी के दोस्त नहीं होते ना ही किसी के दुश्मन होते हैं वैन एवर जस्टिस इज डिलीवर इट वॉज द जस्टिस डिलीवर बाय द गॉड तो जब भी जस्टिस डिलीवर होता है इनके द्वारा जो भी न्याय का फैसला होता है वो न्याय का फैसला बिल्कुल ही निष्पक्ष होता है जैसे कि गॉड करते हैं क्वेश्चन सिक्स है वट वॉज अगलूस वर्ड इट एज हैड पंच हाउ डिड जूम्स टेक इट तो अगलू के जो वर्डिक था हेड पंच के तौर पे वो क्या था और जुम्मन ने कैसे उसको लिया आंसर अगलू हेयर द केस एंड गेव अ फेयर जजमेंट अगलू ने जब केस को सुना तो उसके बाद उसने बिल्कुल ही फेयर जजमेंट दिया ही आज जुम्मन इधर टू पे अ मंथली अलाउंस टू हिज आंट और ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी इन हर नेम उसने कहा अगलू जुम्मन से कि या तो तुम मंथली पैसे दो अलाउंस दो अपनी आंट को अपनी आंटी को या फिर उनकी प्रॉपर्टी उनको वापस कर दो जुम्मन वॉज स्टंट एंड एंड बिकेम अगलूज़ एनिमी उसके बाद जुम्मन तो हैरान रह गया बिल्कुल सन रह गया और उसके बाद वो अगलू का दुश्मन बन गया क्वेश्चन सेवन अगलू फाउंड हिम सेल्फ इन अ टाइट स्पॉट वट वॉज हिज प्रॉब्लम अगलू अपने आप को बहुत ही मुसीबत में पाता है और वही क्या समय था ये उसकी जो बुरा जो फंसा था वो क्या था आंसर अगलू सोल्ड हिज बुलॉक टू समझू साहू अ कार्टमैन साहू प्रामिस टू पे द प्राइज विद इन अ मंथ बट डिंग दिस पीरियड द ही टुक सो मच वर्क फ्रॉम द एनिमल डैट इट डेड अब अगलू क्या करता है अगलू अपने बैल को बेच देता है एक समझू साहू से जो कि वो बैल चलाने वाला एक ड्राइवर था साहू प्रॉमिस करता है कि वो उसका जो प्राइस था वो बैल का वो एक मंथ में उसको दे देगा और क्या होता है इसी दौरान एक मंथ के दौरान ही जो साहू है वो एनिमल से उस बैल से बहुत काम कराता है जिसके कारण वो मर जाता है देन साहू साहू बिकेम डिसऑनेस्ट उसके बाद वो ईमानदार नहीं होता ही रिफ्यूज टू पे द मनी उसके बाद साहू मना कर देता है पैसे देने से वो तो कहता है कि आपका तुम्हारा बैल तो मर गया एक महीने में और मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा क्वेश्चन एट वाई वॉज अग्लू अपसेट ओवर जुम्मन नॉमिनेशन एज हैड पंच अब अगलू क्यों दुखी हो जाता है जब जुम्मन को नॉमिनेट किया जाता है हेड पंच के तौर पे ये पैरा ट्वेल्थ और थर्टीन में है आंसर जब द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन अगलू एंड जुम्मन वाज ब्रोकन आफ्टर अगलू हैड गिवन अ वर्डिक इन फेवर ऑफ़ जुमन आंट जो फ्रेंडशिप होती है अगलू और जुम्मन की वो टूट चुकी होती है जब अगलू वर्डिक सुनाता है जुम्मन के खिलाफ जुम्मन के आंट के लिए जब वो फ़ैसला सुनाता है उसके बाद ही अगलू और जुम्मन दोस्त नहीं रहते जुम्मन वॉज अगलूज एनिमी एंड वॉन्टेड रिवेंज उसके बाद जुम्मन अगलू का दुश्मन बन जाता है अब वो रिवेंज आता है इस वजह से सो ही थॉट जुम्मन वो टेक हिज रिवेंज इस वजह से अगलू को अब लगता है कि जुम्मन उससे बदला लेगा क्वेश्चन नाइन वट वॉज जुमन डिट एज हेड पंच हाउ डिड अग्लू टेक इट तो जुम्मन का क्या वर्डिट रहता है क्या फ़ैसला रहता है एक हेड पंच के तौर पर और अगलू इसको कैसे लेता है ये पैरा फोर्टीन और फिफ्टीन में है आंसर इट वॉज दैट शाहू हैड टू पे द प्राइस ऑफ बुलॉक टू अगलू जुम्मन का ये फैसला होता है कि जो साहू है जिन्होंने जुम्मन जिन्होंने अगलू से बुल खरीदा था ऑक्स बैल खरीदा था उसको पैसे पे करने होंगे अगलू को बिकॉज वन शाहू परचेज द बुलॉक फ्राम अगलू इट वॉज नॉट सफ़र फ्राम एनी डिसबिलिटी और डिजीज़ क्योंकि जब साहू ने वो ब्लॉक वो बैल खरीदा था अगलू से उस वक्त जो बैल है वो उसको ना तो कोई डिजीज ना बीमारी थी ना ही कोई डिजीज़ था दिस वॉज़ अ जेनुअन डिसीजन वो बिल्कुल जैन डिसीजन था अगलू टुक इट हैप्पली एंड सैड इट वॉज अ विक्ट्री ऑफ द पंचायत दिस इज़ जस्टिस गॉड लिव इन द हार्ट ऑफ द पंच वो बिल्कुल ही सही डिसीजन था उसके बाद अगलू बहुत ही खुश हो जाता था वह कहता है कि ये तो पंच की जीत है और यही न्याय है गॉड रहते हैं पंच के दिलों में क्वेश्चन टेन विच विच ऑफ द फ्लॉइंग सम ऑफ द स्टोरी बेस्ट ये हमारे पास थ्री ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि स्टोरी को सम करता है इसका सरांस निकाल सकते हैं हम फर्स्ट है आई ऑल्सो नोट डेट यू विल नॉट किल योर कॉन साइंस फॉर द सेक ऑफ़ द फ्रेंडशिप ये एक वर्ड है सही है पर ये हमारा सलांस ये सार नहीं निकालता है स्टोरी का सेकेंड पे आ जाते हैं हम लेस नो वन डेविएट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द जस्टिस एंड ट्रूथ ऑफ फ्रेंडशिप और इनमिटी तो ये है कि हमें अपने पास से क्या होता है हम नहीं भटकते चाहे जस्टिस सच देखता है ये फ्रेंडशिप नहीं देखता ना ही वो दुश्मनी देखता है थर्ड है द वॉइस ऑफ द पंच इज़ इज़ द वॉयस ऑफ गॉड तो वॉ पंच का जो वॉयस होता है वो गॉड का वॉयस होता है तो ये हमारा जो सेकेंड है ये सही है ये हमारा सार है पूरे स्टोरी का तो आई थिंक द सेकेंड स्टेटमेंट सम स्टोरी बेस्ट इन द स्टोरी क्योंकि इस कहानी में वी वी सी जस्टिस बीइंग डन इन स्पाइट ऑफ फ्रेंडशिप और एनिमिटी तो हमने इस स्टोरी में ये देखा है कि न्याय किया गया है भले ही वो दोस्त हो तब भी उसके खिलाफ न्याय किया गया है और वो दुश्मन था तब भी उसके लिए न्याय किया गया है तो हमारे यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है इसके वन मीनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा बाकी सारे ऑल सिक्स क्लास के चैप्टर्स आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय